नमस्ते दोस्तों, जायका पतंजलि में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ अरवी की मसालेदार सूखी सब्जी की रेसिपी, जिसके लिए हम लेंगे 400 ग्राम अरवी। इसे अच्छे ढंग से धोकर इसे प्रेशर कुकर में 2 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। अरवी को थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसके सारे छिलके उतार लेंगे। देखिए, हमारे सारे छिलके उतर गए हैं। जब छिलका उतर जाए तो दोनों हाथ की सहायता से दबा दबा कर इसे चपटा कर लेंगे। इसी तरह हम अपने सारे अरबी को दबा लेंगे। देखिए, हमारी सारी अरबी मसाले के लिए हम 3 प्याज लेंगे, जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब हम सब्जी को बनाने के लिए गैस का फ्लेम ऑन कर कढ़ाई को रख देंगे। जब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाए तो अरवी को तलने के लिए हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। जब हमारी तेल गर्म हो जाए तो उसमें एक एक करके हम अपनी सारी अरवी तेल में डाल देंगे। इस टाइम हम अपनी गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, क्योंकि हमारी अरवी पहले से ही पकी हुई है। सिर्फ इसे हमें दोनों तरफ से करारी तलनी है। अरबी को हम इसी तरह उलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। देखिए, हमारी अरवी अब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम अपनी अरवी को तेल से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह बची हुई सारी अरवी को हम तल कर निकाल लेंगे। इस तेल में ही हम जीरा और अजवाइन और 2 चुटकी हींग डालकर तड़का लगा लेंगे और इसमें अपना कटा हुआ प्याज डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। नमक से हमारा प्याज जल्दी से गल जाएगा और इसी तरह हम इसे ढक ढक कर फ्राई कर देंगे कि जब तक हमारी प्याज गल ना जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। अब हमारे प्याज पक चुके हैं। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और सारे मसालों को हम प्याज में मिक्स कर देंगे। और इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसे अच्छे ढंग से हम मसालों में मिलाकर उसमें हम थोड़े सा पानी डालकर इसे हम ढककर मसालों को पकने देंगे। जब हमारे मसाले तेल छोड़ दें तो समझिए कि हमारा मसाला रेडी हो गया है। इसमें हम अपनी हुई सारी अरवी डाल देंगे और उसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और सारे मसाले को और अरवी को हम हल्के हाथों से, इसे हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि हमारी अरवी टूट जाएगी। इसे इसी तरह धीरे धीरे करके हम अपना अरवी और मसाला एक दूसरे में मिक्स कर देंगे और 2 चम्मच पानी डालकर हम सारे मसाले को फिर से मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगाकर थोड़ी देर पका लेंगे। हमारी सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, चावल या पराठे के साथ खा सकते हैं।